चंदौसी स्थित श्री रामकृष्ण धर्मशाला में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश कार्य समिति को लेकर एक योजना रचना बैठक आहूत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरि ने तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री भारत भूषण गुप्ता ने वैश्य भामाशाहों को संबोधित किया। प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरि ने बताया कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश कार्य समिति का आयोजन 29 व 30 जुलाई 2023 को चंदौसी स्थित OLF बैंकट हॉल में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश भर के वैश्य भामाशाह एवं जन प्रतिनिधि शिरकत करते हुए वैश्य वर्ग को संबोधित करेंगे। प्रदेश कार्य समिति में सभी आंगतूक के स्वागत सत्कार के लिए चंदौसी तथा जनपद संभल के सभी महासम्मेलन पदाधिकारियों को पूर्ण तत्परता के साथ लगते हुए सफल बनाना है। प्रदेश उपाध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता ने कहा कि वैश्य वर्ग का राजनीतिक क्षेत्र में 21% की भागीदारी है, जिसके कारण आज केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कोई भी राजनीतिक वैश्य वर्ग को बंधुआ मजदूर न समझे, जो दल वैश्य वर्ग को भागीदारी के अनुरूप हिस्सेदारी देगा, सम्मेलन उसका 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण समर्थन करेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में 28 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एक मंडल में एक सीट वैश्य वर्ग के लिए आरक्षित होनी चाहिए। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल सिंघल तथा संचालन राष्ट्रीय संरक्षक पवन कुमार गुप्ता ने किया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश इकाई की प्रदेश कार्य समिति का आयोजन आगामी 29 व 30 जुलाई को चंदौसी नगर के OLF होटल में होना सुनिश्चित हुआ है। इस नाते इस बैठक की तैयारियों की दृष्टि से अपनी जिला टीम के पदाधिकारियों, नगर टीम के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने और इस कार्यक्रम के तैयारियों की समीक्षा करने के लिए हम यहां पर मौजूद हुए हैं और हमने अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां बांटी है। मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के निमित्त जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई हैं और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, जिले के महामंत्री, महानगर अध्यक्ष, महानगर के महामंत्री, इसके अलावा प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ वैश्य समाज के तमाम विधायक और जो मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में, मंत्रीगण भी आ रहे हैं और वह इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गिरीश सांघी जी जो हैदराबाद से इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री द्वय गोपाल मोर जी और उमेश अग्रवाल जी का भी आगमन इस कार्यक्रम में हो रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुधीर सलवासिया जी के निर्देश पर यह कार्यक्रम चंदौसी नगर में होना सुनिश्चित हुआ है। मैं चंदौसी वासियों का इस माध्यम से स्वागत भी करना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है और पूरी तन्मयता के साथ वो इस कार्यक्रम को आयोजित करने में लगे हुए हैं और आगामी 29-30 को भारी संख्या में वैश्य समाज के सभी उपवर्गों का जमावड़ा इस चंदौसी नगर में होने जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन एक सामाजिक संगठन है, वो वैश्य समाज की जागरूकता के लिए काम करता है और उत्तर प्रदेश भर में जो वैश्य समाज की स्थिति राजनैतिक या सामाजिक स्तर पर जो है आज की तारीख में, उसकी हम समीक्षा करेंगे और आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में हमारे वैश्य समाज की क्या रणनीति होगी इसका नियोजन करेंगे, इसकी योजना रचना करेंगे, जिसका खुलासा उस कार्यक्रम के बाद आपके माध्यम से हम जनता के बीच में करेंगे। मौजूदा सरकार में वैश्य समाज की स्थिति की अगर आप तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि वैश्य समाज जो है वह भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सरकार या फिर यह पार्टी वैश्य समाज की पार्टी, लेकिन आज जो परिस्थिति है वैश्य समाज के व्यापारियों की, वैश्य समाज के लोगों की, वह चिंताजनक बनी हुई है। हमें सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ अपनी राजनीतिक पहचान की भी आवश्यकता है। इसके लिए वैश्य समाज अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। हमारी राजनीतिक पहचान को जिस तरीके से ठगने की कोशिश की जा रही है, हम उसके लिए लगातार संघर्ष करने को बाध्य होंगे और जरूरत हुई तो सड़कों पर भी आंदोलन होगा और हम रैलियां भी आयोजित करेंगे, ऐसी योजना हमारी बनने जा रही है। निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव आने वाला है और हम 2024 के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों की ओर यह इशारा करके बताना चाहते हैं कि वैश्य समाज जो कि 20% आबादी में इस उत्तर प्रदेश के राज्य में निवास करता है, उसे उसके सम्मान के अनुरूप आगामी लोकसभा चुनाव में सीटें आवंटित की जाएं, यह हमारी पूरी मांग है। 18 मंडल हैं
इस उत्तर प्रदेश में 18 मंडल में 18 सीटें वैश्य समाज के लोगों को देने का काम करने वाले दल के प्रति हमारा वैश्य समाज किस तरीके से काम करेगा, इसकी योजना रचना हम बनाने जा रहे हैं। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का कार्यक्रम क्या कहेगा? असल में वैश्य समाज पे जो उसको अनदेखा उसकी अनदेखी करी जा रही है, उसकी जो समस्याएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो इसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी पे ही इन सम्मेलनों के द्वारा इतना प्रेशर बनाना है कि वो हमारी आवाज को, हमारा जो दवा कुचले, हमारे यहाँ भी बहुत गरीब लोग हैं, उनका आरक्षण नहीं है, 10% है मगर उन्हें कुछ नहीं आता, कहाँ भरना है फॉर्म, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेडिकल में जाना है, कहीं भी जाना है, बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, कुछ नहीं जानते वो। तो इस सम्मेलन के माध्यम से हम जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो इससे हमारे समाज में जब लोगबाग मतलब एजुकेटेड होंगे, धनवान होंगे, तो इससे हमारे समाज का अपलिफ्ट होगा, मतलब समाज तरक्की करेगा। बस मैं इस मैसेज से यही कहना चाहता हूं सरकार से कि हमारा 20% का योगदान है, ये बेकार ना जाए। हम परंपरागत वोटर हैं बीजेपी के, मगर वो हमें बंधुआ मजदूर ना समझे, हमारे बारे में भी सोचे, हमारे जो गरीब तबका है उसके बारे में सोचे। देखिए, ये समय समय पे उत्तर प्रदेश में पूरे समाज को जागरूक करने के लिए इस तरह की प्रदेश कार्य समिति हम लोग करते रहते हैं, और चंदौसी चूंकि जागरूक जगह है और यहाँ वैश्य समाज के लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लोगों की मदद इमदाद करते हैं, और यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए यह हमने प्रदेश कार्य समिति करने का स्थान सुनिश्चित करने का काम किया है। 29 तारीख को 30 तारीख को दो दिवसीय यहाँ हमारी प्रदेश कार्य समिति है। हमारे साथी शैलेंद्र अग्रहज जी ने अभी आपको विस्तार से इस बारे में बताया है, लेकिन देखिए जो आपने बात की 2024 की या राजनीतिक भागीदारी की, तो ये तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि बड़ा पार्ट वैश्य समाज का हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, लेकिन जितनी हमारी भागीदारी है, वो हिस्सेदारी हमें किसी दल में मिल नहीं रही, क्योंकि दूसरे राजनीतिक दल इसलिए हमारी उपेक्षा करते हैं कि वो समझ लेते हैं कि वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, और भारतीय जनता पार्टी समझ लेती है कि वैश्य समाज तो हमारा वोटर है ही, हमें वोट देता ही है, तो इसलिए वैश्य समाज पिछड़ा है। जो छोटे छोटे समाज हैं, जो 2% हैं, जो 4% हैं, वो 3% है, वो आंदोलन करके, वो जिद्दबाजी करके, वो इकट्ठे होके वो अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी ताकत राजनीतिक ताकत होती है। जो संसद में तय हो जाता है, जो विधानसभा में तय हो जाता है, वो देश में और प्रदेश में कानून बन जाता है और देश और दुनिया उसके हिसाब से चलती है। तो इसलिए वैश्य समाज चाहता है कि बड़ी तादाद में है आगामी लोकसभा के 2024 में होने वाले चुनावों में सम्मानजनक तरीके से वैश्य समाज के लोगों को टिकट दिया जाए। हम गारंटी भी देते हैं कि बड़ी संख्या में हम लोग चुनाव जीत के देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैश्य समाज अब इन मीटिंगों के माध्यम से या जन आंदोलन के माध्यम से या बड़ी बड़ी रैलियां करके ये बात करने के लिए बाध्य हो जाएगा कि जो हमारा सम्मान करेगा राजनीतिक दल, तो वैश्य समाज भी उसी समाज को वोट करेगा। जो आगामी आपका प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें संक्रांत हो सकता है अपनी भागीदारी को? बिल्कुल होगा। इस जो हमारी ये प्रदेश कार्य समिति 2 दिन होने जा रही है, इसमें हमारे भारतीय हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी की देश में प्रदेश में सरकार है, और सरकार में हमारे लोग जितने हैं उससे ज्यादा होने चाहिए। हमारी ये डिमांड आएगी इस मंच से भी कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेतागण हैं देश में प्रदेश में, वैश्य समाज के लोग जिस तादाद में देश में है प्रदेश में है, 20% के 21% के आसपास हैं, तो आप सब लोग ये इधर देखिए, ये बड़ा वोट बैंक है। ऐसा नहीं कि इसके दम से सरकार चल रही है और सत्ता चल रही है और इसी की अनदेखी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य 29 और 30 तारीख के लिए हमारी प्रदेश कार्य समिति होगी,
और निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे। और राजनीतिक प्रस्ताव चूंकि मैं इस संगठन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते मैं बड़ा बेबाकी से कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से तो यही प्रस्ताव आना है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 18 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल से वैश्य समाज की व्यक्ति के लिए जो राजनीतिक पार्टी हमें टिकट देने का काम करेगी, वैश्य समाज पूरे का पूरा उसी राजनीतिक दल को वोट देने का काम करेगा। यानी जो राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को भागीदारी देने का काम करेगी, हमारा समाज उसी राजनीतिक पार्टी से अपनी साझेदारी करेगा। अन्यथा की स्थिति में चूंकि चंदौसी के लिए इसलिए भी चुना गया है इस राजनीतिक प्रस्तावों के लिए कि यहाँ इतिहास बदलने का काम वैश्य समाज के लोगों ने किया है और करके दिखाएंगे। आप चाहे 2012 के विधानसभा चुनाव को देखें या अभी के निकाय चुनाव को देखें, हमने वार्ड सभासद के रूप में भी वार्ड नंबर 21 से हमने एक बैग बट की बेटी जो वैश्य समाज के घर में थी उसे जिताने का काम किया, और निकाय के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम वैश्य समाज के लोगों ने किया। अगर आने वाले समय में अगर वैश्य समाज के लोगों की राजनीतिक पार्टियों ने अनदेखी की तो वैश्य समाज किसी भी राजनीतिक पार्टी का बधुआ गुलाम नहीं है और वैश्य समाज अपनी ताकतदारी अपने दम पर लेने का काम निश्चित रूप से करेगा।